द बोल्ड वॉइस में आपका खैर मकदमे में हूँ आपके साथ काशुशा। अभी हम मौजूद हैं इलाका ठाकराई में, जो यहाँ का फॉरेस्ट एरिया पड़ता है उस फॉरेस्ट एरिया में अभी मौजूद हैं। हाल ही में 2 या 4 दिन पहले एक फॉरेस्ट डिवीजन डोडा, जो डाफो के द्वारा एक लिस्ट निकाली गई थी जो लोगों ने गैरकानूनी जो जंगलात की जमीन हड़पी है, नर्सरी लगाई जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ जिन लोगों के पास थोड़ी सी जमीन थी उसी जमीन पे वो लोग गुजारा करते थे, उनकी जो जमीन है जो तारें लगाई जा रही है। और साथ ही साथ हमारे साथ फॉरेस्ट डिवीजन जो डाफो साहब हमारे साथ हैं, उनके बारे में उनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे और ये पूछने की कोशिश करेंगे, जो लोग थोड़ी सी ज़मीन पे अपना घर चलाते थे, अपना गुजारा करते थे, तो वो लोग आगे आने वाले दिनों में क्या करेंगे? अपने घर का गुजारा, अपने जो बच्चों का जो भविष्य है उनके लिए थोड़ी सी ज़मीनें थी, तो वो उसके बारे में इनसे उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। सर, वर्ल्ड वाइज में आपका स्वागत है। शुक्रिया। आपने अभी डोडा फॉरेस्ट डिवीज़न के प्लांटेशन के बारे में बताया। हम कैंपा के प्लांटेशन करते हैं और जहाँ जहाँ फॉरेस्ट एरिया होता है हम सिर्फ उसी रकबे पे कैंपा की प्लांटेशन करते हैं। आपका एक कंसर्न रहा है कि कुछ लोगों की थोड़ी सी ज़मीन है और उसके बारे में क्या किया जाएगा, तो उसके बारे में सरकार अपना फैसला लेगी और जो भी फैसला रहेगा आप सबके सामने आएगा। गवर्नमेंट क्या करना चाहेगी आगे उन लोगों के लिए जो इस वक्त थोड़ी सी ज़मीन उनके लिए जो 50-60 साल से उस ज़मीन के मतलब उस ज़मीन पे अपना गुजारा चला रहे थे, आज 60-50-60 साल के बाद उनको ये ज़मीनें वापस ली जा रही है, तो उनके उनको आप क्या मैसेज उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? गवर्नमेंट उनके बारे में क्या सोच रही है आगे के लिए? ठाकराई के लोगों के लिए हमारा यही पैगाम है कि जंगल जब तक है जब तक हमारा जीवन है, जब तक हमारा पानी है, जब तक हमारी साफ हवा है, जब तक हम लकड़ी पा रहे हैं। और लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि आप जंगल की रक्षा करें, जंगल आपकी अपने आप रक्षा करेगा। शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने यहाँ पे सुना जो डाफो फॉरेस्ट डिवीजन डोडा के डाफो साहब हमारे साथ थे, उन्होंने साफ साफ कहा कि अभी हमें कोई मालूम नहीं क्या होने वाला है लोगों के साथ, जो भी गवर्नमेंट का आर्डर निकलेगा तो उसके तहत हम चलेंगे। हमारे साथ यहाँ पे जो लोग हैं, अवामी लोग हैं, जिनकी ज़मीनें यहाँ पे जो ले रहे हैं गवर्नमेंट ले रही है गवर्नमेंट, तो हमारे साथ सरपंच साहब भी जुड़े हैं, बाकी जो हजरात हैं यहाँ पे अवामी लोग वो भी जुड़े हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, आज के हालात कैसे हैं और क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है। लिहाजा हम इसमें ये बताने जा रहे हैं कि जो इस वक्त सरकार अपना काम करने जा रही है खुफिया तरीके से, जैसे लोगों से ज़मीनें छीनना, उनके हकूक छीनना, उनकी सिटीजनशिप वो छीनना, तो उसकी शुरुआत जो है मैं यही समझ रहा हूँ शायद आज हमारी ठाकराई से हो रही है, कि आज हमारे दो घर जो यहाँ पर एक बहार अहमद राठौर साहब, मोहम्मद इसहाक अहंगर साहब, जिनकी ज़मीन जो इनके दादा परदादा से इसी ज़मीन पे जो है अपना गुजारा कर रहे थे और इसी ज़मीन पे मतलब अपना रोज़गार चला रहे थे, ज़मींदार पेशा है, मज़दूर पेशा है, कोई मुलाजिम नहीं है ये, तो इनकी ज़मीनें आज जो है बंद की जा रही है, इनको तारबंदिश हो रही है, इसकी प्लांटेशन हो रही है और वो शुरुआत जो है आज हमारी ठाकराई से मतलब शुरू हो गई है। तो अब हम ये मीडिया के ज़रिए बाकी आवाम तक भी ये खबर पहुंचाना चाहते हैं, जिनकी भी ज़मीन जंगलात में है या श्यामलात में है या खालसे सरकार है, वो सारे खबरदार हो जाओ कि आज से ये काम शुरू होने जा रहा है। उधर से बीजेपी का ये दावा है कि हम लोगों की ज़मीनें नहीं छीनेंगे, ये हमें ये हमने बड़े बड़े जो हमारे लीडरशिप है जैसे फारूक अब्दुल्ला साहब है, बाकी ये मुफ्ती साहब है वगैरह वगैरह, उनके पास जो ज़मीनें हैं वो छीनी जा रही है, लेकिन हमारा मोहम्मद इसहाक साहब ये कौन मुफ्ती साहब है, हमारा इसहाक साहब या चाचा बहार अहमद राठौर साहब ये कौन से फारूक अब्दुल्ला है, ये कौन से यहाँ पर जी महीद्दीन साहब हैं या और कोई बड़े साहब हैं, ये तो बेचारे अपने मतलब एक ज़मींदार पेशा हैं और यहाँ दूर दराज इलाके में रहने वाले लोग हैं, तो इनसे आज ये शुरुआत हो रही है। लिहाजा हम आज मीडिया के माध्यम से ये खबर अपने एलजी साहब या गवर्नर साहब वगैरह इन सब तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे हुकूक जो आज हमसे छीने जा रहे हैं हमें इंसाफ दिया जाए।
सरकार ये बोल रही है तो जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, उनकी ज़मीनें वापस ली जा रही है, लेकिन ये हमारे साथ जो आवाम लोग हैं, बहुत ही गरीब लोग हैं, शुरुआत इन लोगों से की जा रही है। तो आप हमारे पीछे लोग देख रहे हैं कितने परेशान हैं। अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ और गवर्नमेंट जो सरकार इस वक्त है उनसे ये एक बार और